चढ़ती कला। फास्ट न्यूज़। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हुण तक दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच दिल्ली विखे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसल की अहम बैठक हुई। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के सभ्याचारक केंद्र विच आयोजित की गई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत वख-वख सूबों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहे। बैठक दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान उचेचे तौर उत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगे पंजाब के वख-वख मुद्दों चुकया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे की किसानी नाल जुड़े मसले जोरदार ढंग नाल उठाते हुए घट्टो घट समर्थन मुल MSP नूं कानूनी गरंटी बनाउण अते बदलवीं फसलों लई पुख्ता मंडीकरण की प्रणाली यकीनी बनाउण की लोड़ उत्ते जोर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई नीति आयोग की कौमी कौंसल की मीटिंग नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने पंजाब नाल जुड़े अहम मामले चुके। सीनियर आगू और राज सभा मैंबर राघव चड्ढा ने पंजाब के लोगों की आवाज़ को मजबूत करने वक्री किस्म की एक पहल करदे एक फोन नंबर जारी किया है, जिस उत्ते कॉल करके लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर उत्ते फोन करके लोग राघव चड्ढा को दस सकते हैं कि वह किहड़े मसले को संसद में पहल के आधार उत्ते चुकन। चड्ढा ने कहा है कि 99 109 44 444 नंबर जारी किया गया, जिस उत्ते कोई भी व्यक्ति कॉल करके अपना सुझाव दर्ज करवा सकता है। राघव चड्ढा ने कहा कि इस कदम नाल पंजाब दे लोग राज सभा विच अपनी आवाज़ पहुँचा सकणगे, वो सिर्फ उस आवाज़ का जरिया बनणगे। पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद सूबे दीआं जेलां विचों मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी। अज फिर पटियाला की केंद्रीय जेल विचों पुलिस नूं स्पैशल सर्च मुहिम दौरान 19 मोबाइल और चार्जर बरामद होए ने। कैदियों ने बड़ी ही होशियारी नाल मोबाइल फोन जेल दीआं कंधां ते फर्श विच टोए पुट के लुका के रखे सन, पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार उत्ते जदों जेल विच चैकिंग की तो जेल विभाग में मोबाइल बरामद हुए। इस बारे जानकारी पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया उत्ते सांझी की है। उन्होंने इस कार्रवाई लई पंजाब पुलिस की शलाघा की। मध्य प्रदेश के विदिशा, सतना और गुना जिलों में पिछले 24 घंटों दौरान आसमानी बिजली डिगण कारण 9 लोगों की मौत हो गई और 2 होर झुलस गए। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। उन्हें कहा कि अगसौंद पिंड बिजली डिगण नाल इमली के दरख्त हेठां खड़े 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मुताबिक एक होर घटना में सतना जिले के नगौल थाना खेत्र के पौंडी पटौरा पिंड बिजली डिगण नाल खेत में काम कर रहे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। उन्होंने इलाज लई नेड़े दे हस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसी तरह सतना जिले के जटवाड़ा इलाके में बिजली डिगण कारण 65 साल एक औरत की मौत हो गई। उत्ते ही गुना जिले के भूरा पिंड बिजली डिगण नाल 45 साल औरत की मौत हो गई। लाग की बीमारी लंपी स्किन तो पशुओं को बचाने लिए पंजाब सरकार ने गोट पॉक्स दवाई दी 66,666 डोज मंगवाई ने, जो कि सूबे के सेहतमंद पशुओं को मुफ्त में लगाई जाएगी ता जो बीमारी को अगे बढ़ने तो रोकया जा सके। ये जानकारी कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दी, जिन्होंने हलका खेमकरन के पिंड माणकपुरा गिल डेयरी फार्म माड़ी बोहड़वाली पिंड मादर गिल डेयरी फार्म मादर पिंड भंडाल संधु डेयरी फार्म बहड़वाल का तूफानी दौरा किया। पंजाब दौरे के लगातार तीजे दिन पत्रकार नाल गलबात करदिआं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हैदराबाद तो उचेचे तौर उत्ते मंगवाई गई दवाई सूबे के सारे जिलों नूं भेजी जा चुकी है और डॉक्टरों ने यह दवाई सेहतमंद पशुओं से लगाउणी शुरू कर दी है। उन्हें कहा कि सेहतमंद पशुओं नूं बीमारी तो बचाउण लई यह दवाई पशुओं नूं मुफ्त में लगाई जा रही है। इंग्लैंड में चल रही राष्ट्रमंडल खेडों में तमगे जित के भारतीय खिडारी वतन वापस परत रहे हैं। गोल्ड तमगा जितने वाली मीराबाई चानू के नाल वेटलिफ्टिंग कांसी का मैडल जितने वाली हरजिंदर कौर जद अपने पिंड महस पहुंची तो पिंड वासियों ने उसका भरवां स्वागत किया। दस दिए कि हरजिंदर कौर पंजाब के नब नाल संबंधित है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने पंजाब सरकार वालों खुद पिंड महस पहुँच के हरजिंदर कौर का सन्मान किया। इस मौके हरजिंदर कौर ने गल करते हुए दस्सिया कि वह बहुत ही सख्त मेहनत करके इस मुकाम उत्ते पहुंची है। सो अज लई फास्ट न्यूज़ विच नहीं जांदे जांदे नज़र मारदे आं मौसम दे हाल उत्ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद।
चढ़ती कला। फास्ट न्यूज़।